हेलो गाइस, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। सो गाइस, जीबी पंत यूनिवर्सिटी सहायक लेखाकार की ही सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो कि आपको कहीं ना कहीं यूज़ होने वाले हैं पूरे अकाउंटिंग कोर्स के अंदर। देखिए, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं अगर, ठीक है, उसके पूरे होल ड्यूरेशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, उस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है, अपने इस अकाउंटिंग सिलेबस जो भी आप जर्नी करेंगे एक दो महीने की, इसके अंदर जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे उसके अंदर आपको ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे जी ये तो मुझे पता है सारी चीज़ें, आप ही मुझे क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो है इन अ होल, ठीक है, सभी के लिए है, ठीक है। गाइस, मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं खाली उन्हीं को ध्यान में रखते हुए या जो बहुत ही वीकेस्ट बच्चे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये सभी के लिए है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात, आपके लिए एक रिवीजन हो रहा है, और जिनको कहीं ना कहीं डाउट था इन चीज़ों में, मुझे बिल्कुल पता है कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल कई सारी टर्म्स में डाउट होगा। आप देखिएगा पूरी वीडियो के दौरान, आपको पता चलेगा कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, ठीक है। देखिए, सबसे पहली टर्म मैं डिस्कस करूंगा एंटिटी, ठीक है। एंटिटी क्या होती है, देखिए, आप एक अकाउंटिंग इंडिविजुअल होने के नाते आप लोगों को पता होना चाहिए एंटिटी क्या होती है। देखिए, एंटिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित अपना अस्तित्व होता है, ठीक है। सपोज़ कोई, मैं बात करता हूँ बिग बाज़ार, ठीक है, बिग बाज़ार डील करते हैं किसमें, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, क्रॉकरी आइटम्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स दे यूज टू सेल, ठीक है। तो वो एक क्या है, एंटिटी, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है कि वो भाई बिग बाज़ार है और वो ये चीज़ें बेचने का काम करता है, ठीक है। या कोई एक ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस सेल करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है जो इंश्योरेंस सेल करती है, सपोज एडमायर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कोई कंपनी है, ठीक है, जिसका क्या काम है, वो इंश्योरेंस में डील कर रही है, ठीक है। तो वो क्या है, तो आप समझ गए होंगे, एंटिटी मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस रखना, ठीक है। हर कंपनी जो है पर्टिकुलर चीज़ों में ट्रेड करती है, तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से आपका एंटिटी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, सुपर बाजार हायर ज्वेलर्स ATC लिमिटेड, ठीक है। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है, व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से है, जैसे सुपर बाजार हायर ज्वेलर्स ATC लिमिटेड एटसेट्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजेक्शन। देखिए ट्रांजेक्शन सिंपली इसको अगर हम जनरल टर्म में बोलें तो बोला जाता है इसको लेन देन, ठीक है। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज के बीच कोई भी ऐसी घटना, ठीक है, जिसमें कोई वैल्यू जुड़ी हो, ठीक है। वो घटना क्या हो सकती है, परचेज हो सकता है यानी खरीद जिसे बोलते हैं, ठीक है, सेल हो सकता है बेचना, ठीक है, क्रय विक्रय, और कोई भी चीज़ मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें वैल्यू जुड़ी हुई हो दो लोगों के बीच में, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं एसेट्स, ठीक है। एसेट्स देखिए क्या होते हैं, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। सभी को पता होगा एसेट क्या है, देखिए अगर हम एसेट को डिफाइन भी ना कर सके तब भी हमें पता है कि एसेट क्या है, ठीक है। तो एसेट्स आर दोज थिंग्स, एसेट ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप सेल करके उसका मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। यह किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। एसेट्स ऐसी या परिसंपत्तियां ऐसी मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप ड्यूरिंग बिजनेस यूज करते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि उससे आपको पैसा लेना है तो उसे आप सेल आउट करके उसका मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। एसेट्स को दो पार्टों में बांटा गया, मेनली टू टाइप्स ऑफ एसेट्स आर देयर, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, चालू और गैर चालू परिसंपत्तियां होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं, एसेट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट के अंदर आ गया आपका फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, अदर नॉन करंट एसेट्स,
ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पढ़ने वाला है आपको वो है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या आता है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं फिक्स एसेट के अंदर। ठीक है, काफ़ी कुछ पढ़ने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है, ठीक है, हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम मेनली इंपॉर्टेंटली जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। देखिए लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, देनदारियाँ जिन्हें आप बोलते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। लाइबिलिटी मतलब ऐसी वैल्यू जो आपको फ्यूचर में कभी ना कभी पे करनी है किसी ना किसी को, वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सुपरवाइजर टेक्स अ लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिस विल बी शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार, ठीक है। यानी कि अगर सुपर बाजार लोन लेता है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, तो उसको ये जो लोन का अमाउंट है उसे कहाँ पर शो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करना पड़ेगा, ठीक है, लाइबिलिटीज़ के अंडर इसको शो करना पड़ेगा। और लाइबिलिटीज़ भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जैसे आपका एसेट्स थे करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। हिंदी वाले बिल्कुल देखिए साथ साथ हिंदी में इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग बिल्कुल उस चीज़ को पढ़ते हुए चलें। तो लाइबिलिटीज़ का यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ भी दो टाइप्स की हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार करंट एंड नॉन करंट आइटम्स में क्या डिफरेंस है, चाहे वो एसेट की बात करूँ मैं, चाहे लाइबिलिटी की बात करूँ। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, करंट एसेट और लाइबिलिटीज आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, चालू देयताएं एवं परिसंपत्तियां प्रचालक चक्र से संबंधित है। यानी कि जो करंट एसेट्स होते हैं आपके वो किसी भी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर यूज़ होते हैं। यानी कि मैं आपको बताऊंगा आगे, करंट एसेट्स और लाइबिलिटी रियलाइज सेटल्ड विद इन 12 months। देखिए इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो करंट एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं वो या तो वो मतलब एक साल के अंदर का ही उनका ड्यूरेशन होता है, ठीक है, एक साल के अंदर आपको रियलाइज़ कर लेना है उनको, ठीक है, या तो उनका भुगतान आपको एक साल के अंदर कर लेना है, यानी कि उससे निपट लेना है आपको एक साल के अंदर, ठीक है। यानी कि ऐसे एसेट्स और ऐसी लाइबिलिटीज़ जो कि एक साल से आगे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, करंट कहलाते हैं, ठीक है। करंट आइटम्स आर प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग, करंट आइटम्स जो हैं प्राइमरी यूज़ उनका क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए ही होता है, ठीक है। करंट आइटम्स आर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि करंट आइटम जो होते हैं वो या तो कैश होंगे या तो कैश के इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि एक साल के अंदर वो रियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल देखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल, स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग के लिए किया जाने वाला निवेश ही पूंजी कहलाता है, ठीक है। तो पूंजी से आप समझ सकते हैं बिल्कुल बहुत ही इजी चीज़ है कैपिटल, कोई भी बता देगा। तो कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जब हम बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हम जो अमाउंट लेकर आते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब ये चाहे कैश की फॉर्म में भी हो सकता है या एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी, कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन एंड अ क्लेम ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस, इट इज देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। व्यवसाय की इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है, पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्ति पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, इसलिए इसे तुलन पत्र के देयता और पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। देखिए जो एक कैपिटल है वो एक तरीके से जो भी इसको लेकर आया है, ठीक है, जो ओनर का एक तरीके से क्या है, इस पर ऑब्लिगेशन है, ठीक है, उसका क्या है, दायित्व बनता है इसके तहत, और एक ऑब्लिगेशन है उसका कि ये कैपिटल वो लेकर आया बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से वो हम किस तरफ शो करते हैं उसे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के अंडर शो किया जाता है, ठीक है, एज अ कैपिटल शो करते हैं उसे लाइबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ ऑब्लिगेशन फ्रॉम द साइड ऑफ ओनर, ठीक है। अगला पॉइंट है सेल्स, देख लीजिए सेल्स क्या होता है, सेल्स आर टोटल रिवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, सेल्स में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल्स, देखिए बहुत इजी है सेल्स, आपको पता होगा क्या होता है, टोटल रिवेन्यू जो भी आपका गुड्स और सर्विसेज को बेचने के बाद आपको मिला है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। सेल आपका क्रेडिट भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है, ठीक है, यानी विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री या उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम है, विक्रय नगद भी हो सकता है और उधार भी, ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए था। अगला टर्म है रिवेन्यू,
देखिए रेवेन्यू क्या होता है, दीज आर दी अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेसेस आर कमीशन इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टीज रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। ठीक है, देखिए रेवेन्यू का मतलब आपका कोई भी इनकम जो आपको मिली हो, ठीक है, चाहे वो आपको गुड्स सेल करने के बाद अगर कुछ पैसा मिला है तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, कमीशन से कोई पैसा मिला है तो उससे रेवेन्यू आया है, इंटरेस्ट से आया है तो वो रेवेन्यू है, डिविडेंड से आया है वो रेवेन्यू है, रॉयल्टीज या रेंट से आया है तो वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। नेक्स्ट वन एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। ठीक है, देखिए कोई भी बिजनेस है अगर, तो उसका मेन पर्पज़ क्या है, रेवेन्यू अर्न करना। ठीक है, तो उस प्रोसेस में जो भी कॉस्ट लगी हो, ठीक है, एक व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत को एक्सपेंस कहा जाता है ना, या जो खर्चे होते हैं हमारे वो होते हैं, व्यय कहते हैं जैसे आप। ठीक है, सो एक तरीके से एग्जांपल की तरह समझते हैं, जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। द यूजुअल आइटम एक्सपेंसेस आर डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन एटसेट्रा। ठीक है, देखिए बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या किस चीज़ की जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है और साथ में फर्नीचर की जरूरत है, ठीक है, मशीनरीज की जरूरत है, तो मशीनरीज पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। ठीक है, तो बिजनेस को चलाने के लिए ही तो यूज़ हो रहा है ना एक तरीके से, तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से क्या आपका एक्सपेंस है, रेंट आपका एक्सपेंस है, वेजेस जो आपने पे किए, सैलरी पे करी, ठीक है, लाइट बिजली पानी का जो खर्चा है वो सारा एक्सपेंस है। अब इससे आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह, ठीक है, हिंदी वालों के लिए बिल्कुल हिंदी में नीचे शुद्ध हिंदी में दिखाया गया है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। ठीक है, देखिए एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस कहीं ना कहीं आपको सेम लगता होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यह किसी लाभ सेवा अथवा संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब है आपका जब भी आप किसी एक मतलब किसी बेनिफिट के लिए, ठीक है, सपोज आप आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर है कहीं ना कहीं, मतलब डायरेक्टली वो रिलेटेड है एक तरीके से आपका बिजनेस ओरिएंटेड है एक तरीके से, ठीक है ना, डायरेक्टली बिजनेस ओरिएंटेड है। मशीनरी आप खरीद रहे हैं तो उससे क्या होगा, गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली किस काम में मदद करेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने में, ठीक है, तो वो क्या है एक तरीके से एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ फर्नीचर एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टिव विद इन अ ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर देखिए जो आपने एक्सपेंडिचर किया उसका बेनिफिट अगर एक साल के अंदर अंदर खत्म हो गया तो वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड अगर वो एक्सपेंडिचर एक साल से ज़्यादा जाता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, सच एज परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। प्रॉफिट की बात करते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है, लाभ एक लेखांकन वर्ष में व्ययों पर आमदनी का अधिक्य है, इसमें स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है आपका, जब आपके रेवेन्यूज ज़्यादा हों आपके एक्सपेंसिस से, ठीक है, जब भी रेवेन्यूज ज़्यादा होते हैं आपके एक्सपेंसिस से तो ये क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। और प्रॉफिट क्या करता है, ओनर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, स्वामी की पूंजी में वृद्धि करता है प्रॉफिट। बात करते हैं गेन, गेन और प्रॉफिट कहीं ना कहीं दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, ए प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, विनिंग अ कोर्ट केस, अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, जब वही चीज़ की डायरेक्टली जो बिजनेस ओरिएंटेड हो चीज़ें वो क्या उससे वो उससे होने वाला बेनिफिट क्या कहलाता है, गेन कहलाता है, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, किसी एसेट की वैल्यू में बढ़ोतरी होना, तो ये एक तरीके से क्या है आपका गेन है। ठीक है, बात करते हैं लॉस की, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रिवेन्यूज इट इज टर्म्ड एज लॉस। जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएँ रिवेन्यूज से, ठीक है, इन कंपेरिजन टू रिवेन्यूज आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों तो वहाँ पर क्या होता है आपको लॉस होता है, ये ओनर की इक्विटी को लो करता है, घटाता है। ठीक, इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनी इज वर्थ लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, दैट इज कैश और गुड्स लॉस्ट बाई द फायर और एक्सीडेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, जब कभी आग लग जाती है, ठीक है, लॉस बाय फायर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब आपको क्या होता है, लॉस होता है।
डिस्काउंट की बात करते हैं, बट्टा जिसे बोलते हैं, बट्टा विक्रय की गई वस्तुओं के मूल्य में कटौती को कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट जब भी आप कोई गुड्स बेचते हैं उन पर दिया हुआ जो डिडक्शन होता है उस पर जो आप डिडक्शन करके देते हैं, सपोज कोई आइटम 100 रुपये का है आप उसको 90 रुपये में बेचते हैं तो जो 10 रुपये का आपने क्या दिया वहाँ पर डिस्काउंट दिया, जो डिडक्शन किया, ये क्या कहलाता है? डिस्काउंट। ठीक है, इट इज़ ऑफर्ड इन टू वेज, ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट दिस टाइम सेलिंग गुड्स इज वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट। सर डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, इट इज जनरली ऑफर्ड बाई मैनुफैक्चरर्स टू होल सेलर्स एंड बाई होल सेलर्स टू रिटेलर्स। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर्स मे बी गिवन सर्टेन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू इन केस इफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और अर्लियर, दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल। देखिए डिस्काउंट दो तरीके से दिया जाता है, एक तो डायरेक्टली डिस्काउंट दिया जाता है और एक डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप क्रेडिट में बेच रहे हो वस्तुओं को और आप जिसने आपसे गुड्स खरीदे उसको आप बोलते हो कि यार अगर तुम इतने टाइम लिमिट के अंदर अगर ये अमाउंट पे कर दोगे तो आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बाद वाला और ट्रेड डिस्काउंट पहले वाला। ठीक है, बात करते हैं वाउचर की। वाउचर क्या होता है? देखिए वाउचर आप लोगों को पता होगा अकाउंटिंग के अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वाउचर्स के बेसिस पे ही पूरी अकाउंटिंग होती है। सो द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। कोई भी ट्रांजेक्शन आपने करे, कोई भी लेन देन आप कर रहे हैं तो उसको आप किस डॉक्यूमेंट के थ्रू दिखाएंगे? वाउचर के थ्रू दिखाएंगे। अगर आप बेच रहे हैं कोई वस्तु तो आपको दिखाएंगे उसको सेल्स वाउचर के थ्रू, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो दिखाएंगे परचेज वाउचर के थ्रू। ठीक है, कोई बैंक की एंट्री कर रहे हैं तो उसे किसके थ्रू दिखाते हैं? बैंक वाउचर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाई गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। ठीक है, अगर कैश में हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमें दुकान वाला कैश मेमो देता है ना, अगर हम उधार में खरीद रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? एक इनवॉइस मिलता है, और जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक रिसिप्ट वाउचर मिलता है। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, स्टॉक की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, दैट इज इन टर्म्स ऑफ विच इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। द आइटम्स दैट आर परचेस्ड फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। ठीक है, वह उत्पाद जिनसे व्यवसायी कारोबार करता है माल कहलाता है। ठीक है, यानी कि स्टॉक किसे कहते हैं? जिसमें हम डील कर रहे हैं वो क्या है? हमारा स्टॉक है। अगर मैं स्टेशनरी में डील कर रहा हूँ तो स्टेशनरी मेरा क्या है? स्टॉक है। अगर मैं गारमेंट्स में डील कर रहा हूँ तो गारमेंट मेरे लिए क्या होगा? स्टॉक होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज मैं स्टेशनरी में डील कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो स्टॉक है। ठीक है, बट लेकिन दूसरा बंदा, ठीक है, जिसके लिए जिसको मैं बेच रहा हूँ वो जनरली मेरे से खरीद रहा है, उसके लिए डायरेक्टली ये क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस है, उसके लिए वो स्टॉक नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो अब स्टॉक का मतलब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं विड्रॉल। विड्रॉल क्या होता है? विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज यहाँ पर आप ड्राइंग्स कर लीजिएगा इसको, ये ड्राइंग्स है। ठीक है, विड्रॉल काट के इसको ये गलत हो गया है। ठीक है, ड्राइंग्स क्या कहलाती हैं? जब स्वामी अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए जो धनराशि निकालता है बिजनेस से वो क्या कहलाती है? ड्राइंग्स कहलाती हैं। ये विड्रॉल नहीं होगा, ड्राइंग्स कर लीजिए इसको। ड्राइंग क्या कहलाता है? ठीक है, ड्राइंग क्या होता है? जब आप पैसा निकालते हो अपने बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़ वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। और ये क्या करता है? जो इन्वेस्टमेंट होती है ओनर की उसको कम करता है, घटाता है। अगला देखिए परचेजेस। परचेज आपको पता होगा, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। ठीक है, कैश या क्रेडिट में जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, चाहे वो अपने यूज़ के लिए खरीदें चाहे बेचने के लिए खरीदें, वो क्या कहलाता है? आपका परचेज कहलाता है। ठीक है, परचेज कैश भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। ठीक है, स्टॉक मैंने आपको बता ही दिया था। डेटर्स की बात करते हैं। देखिए डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स ऑन डेटर्स आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सन्डरी डेटर्स ऑन द एसेट साइड। ठीक है, देनदार प्राप्य खाते वे व्यक्ति या इकाइयाँ हैं जिनसे व्यावसायिक संस्था को उससे वस्तुएँ या सेवाएँ उधार प्राप्त करने के बदले कुछ धनराशि लेनी है। सपोज आप अपने आपको मानकर चलें, ठीक है, आप है कोई भी कंपनी ए हैं, आपने किसी को 5000 रुपये में कोई गुड्स बेचा। ठीक है, तो आपने उसको गुड्स बेचा है, अभी आपकी पेमेंट नहीं आई है। ठीक है, तो जब तक आपकी पेमेंट नहीं आए तब तक
आप उसे क्या मानकर चलते हैं, डेटर्स, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि वो आपको कभी ना कभी पैसा देगा, ठीक है। तो इसलिए वो आपके लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। आप इससे समझिए, सिंपल सी चीज़ है, आप एक कंपनी है ए और आपने कोई गुड्स बेचा किसी दूसरे बंदे को 5,000 रुपये में और उससे अभी आपको पेमेंट आनी है, उससे आपको पेमेंट आनी है ना, यानी आपने उससे पेमेंट लेना है, तो वो आपके लिए क्या हुआ, अभी डेटर होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो डेटर क्लियर हो गया होगा आपको। और इसके हम कहाँ पर दिखाते हैं, एसेट साइड में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एज सन्ड्री डेटर्स, क्या लिखते हैं, सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हमें भरोसा है कि वो पेमेंट हमारे पास आएगा, ठीक है। तो हम यही मानकर चलते हैं, भरोसे के बेसिस पर ही चलते हैं कि हमें उससे पेमेंट लेनी है, इसलिए वो क्या है, हमारे लिए डेटर है। क्रेडिटर इसका उल्टा समझ लीजिए, ठीक है। जिस बंदे ने आपसे गुड्स खरीदे थे 5,000 रुपये के, उसने आपको पैसा देना है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। क्रेडिटर्स आर पर्सन एंड अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। लेनदार वे व्यक्ति है जिनका किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा उनसे उधार वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करने के बदले भुगतान करना है, ठीक है। यानी कि जिन्होंने कोई गुड्स खरीदा किसी कंपनी से और उनको वो पैसे वापस करने हैं, तो वो कंपनी उनके लिए क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई, ठीक है। सो गाइज, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आज डिस्कस करी इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हम इस जीबी पंत यूनिवर्सिटी सहक लेखाकार की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़्यादा फास्ट हो रहा है या सही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब मेरी जो पढ़ाने की स्पीड है वो स्लो है या फास्ट है, जो भी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।